जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, जब भी कोई त्यौहार या पर्व आता है तो हमारे चारों तरफ एक अलग ही खुशियों का माहौल बन जाता है। सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई में जुट जाते हैं। नए नए कपड़े, गहने, आभूषण एवं मिठाइयाँ इत्यादि बाजारों से खरीद कर घर लाते हैं। परंतु यदि दिवाली का त्यौहार हो तो बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि दिवाली के त्यौहार में लोग घरों की सजावट के लिए तरह तरह के सजावटी सामग्री भी खरीदते हैं, जो काफ़ी महंगे भी होते हैं और कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाते हैं। हालांकि घर को साफ सुथरा रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जिस घर में स्वच्छता रहती है वहाँ माता लक्ष्मी निवास करती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जिस समय हम खुशियाँ मना रहे होते हैं, उस समय भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनको एक वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। दोस्तों, यदि हमारे आसपास कोई भूखा हो और हम खुशियाँ मना रहे हों तो क्या आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी? जी बिल्कुल नहीं। यदि हम सक्षम हैं, भगवान ने हमारे भाग्य में इतना दिया है कि हम अपना जीवन यापन सही तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारा मानव धर्म है कि हम अनाथ बच्चों की, असहाय व वृद्ध लोगों की, बेजुबान जीवों की मदद करें। आज के आधुनिक युग में लोगों का ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति गरीब जानबूझकर बनता है, परंतु यह 100% सत्य नहीं है। कुछ लोगों के पास वास्तव में ऐसी मजबूरियां होती हैं जिससे वह गरीब रह जाते हैं। उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। ज़्यादातर लोग गरीबों का शोषण करना चाहते हैं, परंतु यह कार्य आपके सभी पुण्य कर्मों को छीन कर देते हैं। अतः हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी पर्व हो या कोई भी त्यौहार हो, जब तक हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं कर देते तब तक हम त्यौहार नहीं मनाएंगे। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में पर्व व त्यौहार मनाए ही इसी उद्देश्य से जाते हैं, ताकि सभी के प्रति भाईचारे की भावना विकसित हो। दोस्तों, यह मानव जीवन नश्वर है। मृत्यु के पश्चात हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, परंतु आपके अच्छे और बुरे कर्म आपके साथ अवश्य ही जाते हैं, क्योंकि मिलने वाला अगला जन्म आपके कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। अगर आपको कर्म और भाग्य से संबंधित ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में अनेकों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो कर्म और भाग्य से संबंधित हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कोई कहानी अथवा कथा नहीं थी, यह हमारे अंतर आत्मा की आवाज़ थी जो हमने आपसे कहा। लेकिन वीडियो में कही गई बातें यदि आपको अच्छी लगी हों तो कृपया वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और पौराणिक कथा कहानी एवं ज्ञानवर्धक बातों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।